नमस्कार मित्रों, रिचार्ज महंगा होने के बाद एक जबरदस्त प्लान 84 दिन की लंबे वैलिडिटी वाला मात्र 500 रुपए से कम खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जानकारी के अभाव में 700-800 हजार रुपए खर्चा करते हैं 84 दिन के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं लंबे वैलिडिटी 84 दिन वाले प्लान के बारे में, जो की 500 रुपए से कम खर्च करना पड़ेगा। तो ये रिचार्ज कैसे होगा सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, कितने रुपए का रिचार्ज है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटा सा निवेदन हमारे प्यारे व्यूअर से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके पास जियो सिम है और 84 दिन की लंबी वैलिडिटी चाहते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग, लोकल स्टडी और डाटा पाना चाहते हैं, तो वैसे में 84 दिन का रिचार्ज 500 रुपए से कम खर्च है। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि 500 रुपए से कम खर्च वाला कौन सा रिचार्ज है। बता दें 700-800 हजार रुपया हम लोग 1200 रुपया तक खर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जियो के कई सारे प्लान है जो की 1000 रुपए, 1200 रुपए, 900 रुपया, बहुत सारे महंगे प्लान है जो 84 दिन के लिए आते हैं। लेकिन एक ऐसे प्लान के बारे में, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 479 रुपए का प्लान है। 479 रुपए के रिचार्ज में आपको 84 दिन की लंबी वैलिडिटी मिलता है। वहीं पे बात करें इंटरनेट डाटा का, तो वहां पे 6 GB इंटरनेट डाटा भी मिल जाता है और 84 दिन की लंबी वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलता है आपको 84 दिन तक। अब आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से फोन उठा के गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब जगह से रिचार्ज कर लें, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से यह रिचार्ज बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यह रिचार्ज केवल और केवल माई जियो ऐप की मदद से करना होगा, जो कि माई जियो ऐप के थ्रू रिचार्ज करेंगे तभी यह रिचार्ज संभव होगा।